हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7D। जो हम इसमें मेथड यूज करेंगे उसको बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत यूज आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशियंट लेंगे, चाहे तो हमें कोई नंबर गिवन होगा 2, 3, 4, कुछ भी इस तरह से, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ओके, तो 1 की मल्टीप्लाई हमेशा कॉन्स्टेंट टर्म से करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब इस 6 का एलसीएम लो और फैक्टर्स निकालो, तो 6 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 और 3। तो अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखना है, 5 के प्लेस पर ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, अब देखो ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको इस तरह से अरेंज करो, यहां पर क्या साइन है, प्लस, तो कि प्लस करके 5 आए। ओके, तो 2 प्लस 3, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, 2 प्लस 3। ओके, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, +2x प्लस 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 3x एंड +6। अब स्टार्टिंग के ये जो हमारे पास 2 टर्म्स है इनमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा तो यहां से x बचा +2, इन दोनों में से कॉमन 3, तो क्या बचा हमारे पास, x +2। हमेशा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो जो सेम आया है उसको एक बार कॉमन लिखा, यहां से क्या बचा x और यहां से क्या बचा +3। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस, यहां पर जो भी नंबर होता है उसके प्लेस पर ब्रैकेट और बाकी एज इट इज विद देयर साइन। यहां पर क्या है, 1 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, 24 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 12 2 6 2 3 3 1, ये आए हैं हमारे 2 2 2 और 3, ये फैक्टर्स आए हैं, इनको इस तरह से अरेंज करो, यहां पर क्या साइन है, प्लस, की प्लस करके 10 आए। तो कैसे अरेंज करेंगे हम इन्हें, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओके, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 4 प्लस 6। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, +4y +6y +24, इन दोनों में से y कॉमन लिया, y +4, इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, y +6 4 24 +4, एक ब्रैकेट में लिखेंगे y +4 और सेकंड ब्रैकेट में y +6, आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। जेड स्क्वायर प्लस, 20 के प्लेस पर जेड, सॉरी 12 के प्लेस पर ब्रैकेट प्लस जेड, सॉरी ब्रैकेट और ये जेड एज इट इज +27। 1 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, 27 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 3 3, इन 3 3 3 को ऐसे अरेंज करो, प्लस करके 12y, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, 9 में इस बचे हुए 3 को प्लस करना है। और याद रखना हमें हमेशा सारे ही फैक्टर्स यूज करने हैं, ऐसा नहीं है हम एक किसी फैक्टर को छोड़ दें। ओके, तो क्या आया, 9 प्लस 3। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9z +3z +27, जेड कॉमन लिया है स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से, तो जेड +9 बचा, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो जेड +9 आया, जेड +9 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट, जेड +3, दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट, पी स्क्वायर प्लस, 6 के प्लेस पर ब्रैकेट पी +8, 8 के क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 2 2, इन्हें इस तरह से अरेंज करो, प्लस करके 6 आए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 2 4, और इसको क्या कर देंगे, प्लस, तो क्या लिख देंगे, 4 प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करते हैं, +4p +2p +8, p कॉमन लिया, p +4 प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, p +4, एक ब्रैकेट में p +4 आया और एक ब्रैकेट में p +2 आया, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्स स्क्वायर प्लस, 15 के प्लेस पर ब्रैकेट प्लस 56, 56 का आप एलसीएम ले लो, 2 2 2 4, 2 8 16, 2 14, 2 7,
सेवन वन्स आर, इन्हें इस तरह से अरेंज करो प्लस करके 15 आ जाए, तो क्या करेंगे, टू टू जार फोर, टू जार एट, इन तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई, 8 आ गया, 8 में 7 को प्लस कर दो तो 15 हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, 8 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8x प्लस 7x प्लस 56, इन दोनों में से x कॉमन आया x प्लस 8, इन दोनों में से 7 कॉमन आया x प्लस 8, एक ब्रैकेट में x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y स्क्वायर प्लस 19 के प्लेस पर ब्रैकेट प्लस 60, 60 के हम यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लेते हैं, एलसीएम देखें, 230, 215, 35, 51, इनको इस तरह से अरेंज करो प्लस करके 19 आए, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ और इन दोनों की एक साथ, तो इनकी मल्टीप्लाई 4, इनकी मल्टीप्लाई 15, तो 4 प्लस 15 कितना होता है 19, ओपन करते हैं ब्रैकेट, 4y प्लस 15y प्लस 60, कॉमन लेते हैं, y कॉमन लिया तो क्या बचा, y प्लस 4 प्लस 15 कॉमन लिया, y प्लस 4, तो एक ब्रैकेट में y प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 15, दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7th, एक्स स्क्वायर प्लस 13 के प्लेस पर ब्रैकेट प्लस 40, 40 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो 2, 2, 2, 5, इनको अरेंज करो, 2, 2 जार 4, 2 जार 8, 5 जार 40, अरेंज करो कि 13 आए, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ 8 आ जाएगा और 5, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 8 प्लस 5, अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40, स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लिया x तो क्या आया x प्लस 8, इन दोनों में से प्लस 5 कॉमन लिया x प्लस 8, एक ब्रैकेट में x प्लस 8 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट, देखो क्यू स्क्वायर माइनस, माइनस है तो माइनस, 10 के प्लेस पर ब्रैकेट प्लस 21, 21 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे, 3 और 7, 3 और 7 को यहां पर क्या साइन है, प्लस, प्लस करो कि 10 आए, तो 3 और 7 10 होते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, 3 प्लस 7, ब्रैकेट ओपन देखो कैसे करना है, माइनस 3 क्यू माइनस प्लस माइनस माइनस 7 क्यू, ओके क्लियर, इन दोनों में से कॉमन क्यू तो क्या आएगा, क्यू माइनस 3, अब देखो इसमें से अगर मैं 7 कॉमन ले लेती हूं तो यहां पर माइनस भी है, तो यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का क्यू, और ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, अब ये ब्रैकेट सेम हुआ है मींस कि हमने माइनस 7 कॉमन लिया है, राइट, तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में क्यू माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्यू माइनस 7, दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, पी स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पर ब्रैकेट माइनस 16, 16 के फैक्टर्स 2, 2 जार 4, 2 जार 18, 2 जार 16, ये आ जाएंगे, इनको इस तरह से आपको अरेंज करना है कि 6 आ जाए, लेकिन साइन क्या है, माइनस, माइनस करके आना चाहिए, जो साइन यहां होता है ना वही हमें देखना है, 6 लाओ तो 2, 2 जार 4, 2 जार 8, 8 में से 2 को माइनस कर दो, तो यहां क्या लिखेंगे हम, 8 माइनस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस 8p प्लस माइनस माइनस 2p एंड माइनस 16, पी कॉमन लिया पी प्लस 8, माइनस 2 कॉमन लिया पी प्लस 8, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो प्लस हो जाएगा, अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे पी प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस 2, दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10 के प्लेस पर ब्रैकेट प्लस 24, जो 24 है इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 2, 2 जार 4, 4, 2 जार 8, 3 जार 24, तो यह है प्लस करके 10 आए, इस तरह से इन्हें आपको अरेंज करना है, तो 2, 2 जार 4, 3, 2 जार 6, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 24, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन माइनस 6, तो क्या आ जाएगा,
एक्स माइनस फोर, ब्रैकेट में एक्स माइनस फोर, यहां पर क्या बचा, एक्स माइनस सिक्स, दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो -23 के प्लेस पर ब्रैकेट +42, 42 के अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 237, ये फैक्टर्स आ जाएंगे, इनको अरेंज करो, प्लस करके 23 आए, तो 7 3 21 और +2, तो क्या आ जाएगा, 21 + 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -21x माइनस प्लस माइनस, -2x +42, एक्स कॉमन लिया, एक्स -21, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, एक्स -21, एक ब्रैकेट में एक्स -21, दूसरे ब्रैकेट में एक्स -2, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ब्रैकेट एक्स +16, 16 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 2 2 2, इनको अरेंज करो 17 आए, तो ये तो 16 है बस, हमारे मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहां पर भी देख सकते हो 16 है और यहाँ 17 है, तो चाहे तो आप ये देख लो 16 से एक नंबर बड़ा है, तो डायरेक्ट 16 + 1 लिख सकते हो, या आप यहाँ पर 1 और ऐड कर सकते हो, मीन्स कि 2 2 = 4, 2 2 = 16, सॉरी 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 1 = 16, तब भी यही रहना है, तो इसको इस तरह से लिख लेना, तब भी यहाँ पर एक नंबर आपको बड़ा चाहिए। ओके, तो ओपन करते हैं, -16x माइनस प्लस माइनस, -1x +16, एक्स कॉमन लिया, एक्स -16, -1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एक्स -16, तो एक ब्रैकेट में एक्स -16, दूसरे ब्रैकेट में एक्स -1, दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 13, वाई स्क्वायर -21 के प्लेस पर ब्रैकेट +90, 90 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 0 है, 0 मीन्स 10, 10 के 2 2 × 5 और 9 के लिए आ जाएगा 3 × 3, इनको अरेंज करो, प्लस करके 21 आए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ और 2 और 3 की एक साथ, तो 6, 6 प्लस 15 कितना होता है, 21, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 + 15, ओपन करते हैं ब्रैकेट, -6y माइनस प्लस माइनस 15y प्लस 90, वाई कॉमन लिया, वाई -6, -15 कॉमन लिया, वाई -6, एक ब्रैकेट में वाई -6, दूसरे ब्रैकेट में वाई -15, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर -22 के प्लेस पर ब्रैकेट +117, 117 का एलसीएम लेंगे तो 3 39, 3 13, 13 1 = 13, इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करो, प्लस करके 22 आए, तो 3 3 = 9, तो इन दोनों को एक साथ और +13, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 13, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -9x माइनस प्लस माइनस, 13x +117, एक्स कॉमन लिया, एक्स -9, -13 कॉमन लिया, एक्स -9, एक ब्रैकेट में एक्स -9, दूसरे ब्रैकेट में एक्स -13, दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर -9 के प्लेस पर ब्रैकेट एक्स +20, 20 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 2 2 5, 2 2 = 4, 4 5 = 20, प्लस करके 9 लाना है, तो 2 2 = 4, 4 + 5 = 9, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4 + 5, -4x माइनस प्लस -5x +20, एक्स कॉमन लिया, एक्स -4 -5 कॉमन लिया, एक्स -4, एक ब्रैकेट में एक्स -4, दूसरे ब्रैकेट में एक्स -5, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 16, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो हम लगा लेंगे 1, मीन्स इसका कोफिशियंट 1 है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम 132 के फैक्टर्स निकालेंगे तो उनको अरेंज करके हमें क्या लाना है, 1 लेकर आना है, तो 132 के लिए फैक्टर्स निकालते हैं, 266, 233, 311, 11, तो ये आए हैं, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो इन तीनों से क्या आया, 12, माइनस करके 1 आए, तो 12 - 11, ब्रैकेट ओपन करेंगे, +12x
प्लस माइनस माइनस 11x माइनस 132। एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस 12, माइनस 11 कॉमन लिया एक्स प्लस 12। एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 11। दिस इज आंसर। बहुत इजी ट्रिक्स है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।